हेलो गाइज, वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम रोज़ इस समय करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखते हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने दिल्ली कॉन्स्टेबल का पेपर देखा होगा, तो हमारी ये 14 क्लास हुई है। इन 14 क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स के पूछे जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फार्मा कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेट्रो हेट्रो कंपनी। भारत में 100 मिलियन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का निर्माण करेगी और ये स्पुतनिक वी 95% तक कारगर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, थेरुकुट्टू किस राज्य का नृत्य है? तो थेरुकुट्टू एक लोक नृत्य और नाटक है जो कि तमिलनाडु का है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ के सीएम है एडापी पलानी स्वामी, और बात करें गवर्नर की तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। बात करें लोकसभा में सीटें, तो 39 सीटें लोकसभा में हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं तमिलनाडु की। कल दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य से संबंधित है? तो उसका सही आंसर उत्तर प्रदेश था। तो ये इस तरीके की हम एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए, और अगर आप सीरियस होकर रेगुलर इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर कितना हो चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.53 लाख करोड़ केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा हो चुका है और ये कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आपको पता है ये देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी रुक गई थी बीच में, एकदम पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया था। तो अब देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। सरकार की जो कुल इनकम होती है और कुल जो एक्सपेंसेस होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। CJA लेखा नियंत्रक होते हैं, लेखांकन मामले में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार है। और CJA की नियुक्ति कौन करता है? CJA की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सोमा राय वर्मन वर्तमान CJA। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे कल का रिपीट क्वेश्चन है, NSA अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ये फोटो है जो कि हमने विकिपीडिया से ली थी। अब बात, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या होते हैं? ये एक कार्यकारी एजेंसी जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। ये केंद्रीय कैबिनेट के बराबर है, यानी जो केंद्र का कैबिनेट का जो मंत्री है उस पद के बराबर श्री अजीत डोभाल का पद है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ा और इम्पोर्टेंट पद रहता है। ये टाइपिंग मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किस बैंक ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IPP बैंक। IPP बैंक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2015 में शुरू की गई थी और इसके लिए जो आयु है, यानी कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, 18 से 50 वर्ष की जो जिसकी भी उम्र है वो इसके लिए एलिजिबल है। इस योजना के तहत बीमा की किस्त वार्षिक 330 रुपये, यानी आपको 330 रुपये जमा कराने होते हैं और इसमें 2 लाख रुपये वापस मिलते हैं। और बात करें भुगतान बैंक के बारे में, तो भुगतान बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को ऋण या उधार की सेवाएं नहीं देता है और भुगतान बैंक अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि जमा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है,
किस राज्य सरकार ने गवर्नमेंट एट डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो अपने नागरिकों के लिए पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एट डोर स्टेप योजना शुरू की है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 अगस्त। डेविड केपल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? डेविड केपल क्रिकेट से संबंधित थे। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, 57 वर्षीय क्रिकेटर थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। दूध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक अभी हाल ही में कोई एग्जाम होता है, उसमें हरित क्रांति का जनक पूछा था। अगर आप किसी को हरित क्रांति का जनक पता है तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और बात करें इस दूध दिवस को, 2014 में किसके द्वारा शुरू किया गया? IDA, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है वो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। और बात के लिए भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा? तो भारत इसकी मेज़बानी 2023 में करेगा। और इस बार जो 15वीं मीटिंग हुई थी G20 सम्मेलन की, उसकी मेज़बानी किसने की थी? सऊदी अरब ने। ये आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके एग्जाम आने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो ये एक बुक है, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, ये किसकी बुक है? ये आपको कमेंट करके हमको वीडियो में बताना है। अगर आप कमेंट करके अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमको आप नेक्स्ट वीडियो बनाने में और कुछ मोटिवेशन मिलता है, और हम और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।